चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम, स्वागत करता हूं मेरे चैनल डाटा डायरी टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं 15,000 के अंदर बेस्ट फ़ोन के बारे में। मार्केट में बहुत सारे 15,000 के अंदर बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल हैं, उसमें से मैंने 10 फ़ोन लिया है जो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है और आपके बजट में कैटेगरी में आता है और ये बेस्ट फ़ोन भी है। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो 10 नंबर में जो फ़ोन आता है वो मोटो वन पावर है, जिसमें आपको मोटो वन पावर जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 1.8 GHz प्रोसेसर, एंड्रॉइड 8.1, 6.2 FHD प्लस डिस्प्ले, 16 प्लस 5 डुअल लेंस कैमरा, 12 MP फ्रंट कैमरा, 5000 बैटरी और 464 की कैपेसिटी, और इसका जो प्राइस है 12,999 है। और इसके बाद जो ना नंबर वाला रियल मी यू वन विथ 3500 mAh बैटरी, 464 GB कैपेसिटी, हीलियो P70 2.1 GHz प्रोसेसर के में, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो और 13+2 डुअल रियर कैमरा, 25 MP फ्रंट कैमरा के साथ और 6.3 फुल HD डिस्प्ले, और इसका जो प्राइस है वो 12,999 है। 8 नंबर में जो आने वाला है वो हॉनर का अरग फ़ोन है 9i, जिसमें आपको 3340 mAh की बैटरी और 464 GB कैपेसिटी पर किरियन 659 ऑक्टाकर 2.36 GHz प्रोसेसर में, एंड्रॉयड 7.1 और 5.9 इसका डिस्प्ले, 16+2 डुअल रियर कैमरा, 13+2 फ्रंट कैमरा, और उसका जो प्राइस है 10,999 में आता है। इसके बाद 7 नंबर पे जो फ़ोन आने वाला है वो रियलमी का 2 प्रो है, जिसमें 3500 mAh बैटरी, 464 GB के कैपेसिटी पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर 1.95 GHz प्रोसेसर, एंड्रॉयड 8.1, 6.3 फुल HD डिस्प्ले, 16+2 डुअल रियर कैमरा, 16 MP फ्रंट कैमरा, और इसका जो प्राइस आता है वो 10,990 पे आता है। उसके बाद 6 नंबर पे जो फ़ोन आता है वो रेडमी नोट 7 है, जिसमें 4000 mAh बैटरी, 464 GB कैपेसिटी में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 AIE ऑक्टाकोर 2.2 GHz में, एंड्रॉयड 9 पे आता है, 6.3 फुल HD प्लस डिस्प्ले और डुअल रियर कैमरा 12+2 और फ्रंट में 13 MP कैमरा आता है, और उसका जो प्राइस अब है 11,999 में वो अभी मार्केट में आता है। 5 नंबर में जो फ़ोन आने वाला है वो रियल मी का है, जिसमें 4230 mAh की बैटरी के साथ 464 GB कैपेसिटी और हीलियो P70 ऑक्टाकोर 2.1 GHz प्रोसेसर, एंड्रॉयड 9 पाई और 6.2 HD प्लस डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा 13+2 और 13 MP का फ्रंट कैमरा के साथ आता है, और इसका जो प्राइस अभी मार्केट पे है 10,999। 4 नंबर पे जो फ़ोन आने वाला है हनर का एक फ़ोन है जो हनर 8X नाम में जाना जाता है, और उसमें उसका जो किरिन 7 1 Gen का प्रोसेसर, अक्टाकोर प्रोसेसर 2.2 GHz, एंड्रॉयड 8.1, डुअल रियर कैमरा 20+2 और 16 MP फ्रंट कैमरा, 3350 mAh की बैटरी और 464 GB के कैपेसिटी पे। इसका जो प्राइस अभी है 13,999। 3 नंबर में भी जो फ़ोन आने वाला है वो हनर का ही है, वो हनर 10 Lite के नाम पे जाना जाता है, और ये आता है किरिन 7 1 0 2.2 ऑक्टाकोर GHz प्रोसेसर में, एंड्रॉयड 9 पाई के साथ, 6.2 फुल HD डिस्प्ले, 13+2 डुअल रियर कैमरा और 24 MP का फ्रंट कैमरा, 3400 mAh बैटरी और उसका कैपेसिटी है 464 GB, और भी ये मार्केट में 12,999 पे आता है। 2 नंबर पे जो फ़ोन है वो रियलमी का 3 प्रो है, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर 2.2 GHz, एंड्रॉयड 9 पाई के साथ, 6.3 फुल HD डिस्प्ले, 16+5 डुअल रियर कैमरा और 25 MP का फ्रंट कैमरा, 4045 mAh की बड़ी बैटरी और 464 GB की कैपेसिटी के साथ, और उसमें बुक चार्ज 3.0 फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट में आता है, और इसका प्राइस है 13,999 में आता है। नंबर 1 पे जो फ़ोन आने वाला है वो रेडमी की नोट 7 प्रो है,
जिसका स्पेसिफिकेशन 4000 mAh बैटरी और क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टाकोर प्रोसेसर 2.0 GHz में एंड्रॉयड पाए के साथ 6.3 फुल HD डिस्प्ले 48+5 डुअल रियर कैमरा 13 MP का फ्रंट कैमरा और इसका जो प्राइस अभी मार्केट में आया है 13999 में अभी मार्केट में आ रहा है और ये 4.0 क्विक चार्जर सपोर्ट कर रहा है।